अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, अमेजिंग अमेजिंग मूवी। मूवी वन टाइम वॉच है, अच्छी नहीं लगी मेरे को, डिसअपॉइंटमेंट बहुत हुई। मस्त, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया लगी, वेरी नाइस। अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है, काफी दिन के बाद अच्छी पिक्चर देखी है। पिक्चर बहुत अच्छी है भाई, वेरी गुड मूवी। अच्छा लगा, मतलब प्रूव कर दिया उन्होंने अपने आप को। द मूवी इज वेरी नाइस एंड वेरी इंटेलिजेंट सिनेमा बाय मेघना गुलजार। एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और मेघना गुलजार ने हमेशा बैलेंस बना के रखा है, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ भी एक्स्ट्रा हो रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट की स्टोरी आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी, आप एक सीन पर भी ऐसे नहीं होते हो कि यार ये क्या चल रहा है। काफ़ी अच्छी फिल्म है, बहुत सेंसिबल सिनेमा है और आपके इमोशंस को बहुत बांध के रखता है, काफ़ी अच्छा। आई लव द एक्टिंग ऑफ आलिया। आलिया इटसेल्फ शी इज़ वेरी, यू कैन मेक आउट, मतलब रोमांटिक रोल और उसमें शी लुक्स गुड, बट इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए जो मेघना गुलजार, शी इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड दिस, बट जो उसने स्टोरी उसने सोची होगी, बट इसके लिए दैट इज़ नॉट गुड। आलिया का एक्टिंग तो बहुत ही अच्छा था, वेरी गुड, द डायरेक्शन, द म्यूज़िक, सब कुछ फ्लॉलेस था, बहुत अच्छा। पता पड़ा कि इतने लोग देश की आज़ादी के लिए इतने लोग भी इन्वॉल्व थे, दोज आर द अनसंग हीरोज। आलिया भट्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया है, वही मेन पिक्चर उसी पे ही है सारी, एंड मोर ओवर स्टोरी इज गुड, डायरेक्शन इज गुड। आलिया की एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी है, केमिस्ट्री में वो जो हीरो है वो कौशल का क्या, वो भी उसके साथ जमता है, और स्टोरी इतनी अच्छी है कि सबको पसंद आनी चाहिए। केमिस्ट्री तो वतन के साथ थी उनकी, हस्बैंड से ज़्यादा, और एक्टिंग सुपर्ब, आई थिंक आलिया हैज़ डन हर बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन दिस। आलिया की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कन्विंसिंग रोल दिया हुआ है आलिया ने, जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया है। 3 स्टार 4 3 4.5 4 स्टार, इसमें 5 में 5 है, 5 आउट ऑफ डेफिनेटली 4 स्टार दूंगा।